गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने सारे कार्ड खेले, चाहे वो मंदिर मंदिर घूमना हो या अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताना हो। यहाँ तक कि केजरीवाल ने तो ये भी कह दिया कि वो श्री कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि उनका जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। श्री कृष्ण ने उन्हें काम देकर भेजा है कि जाइए गुजरात और कंस के औलादों का सफाया कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने ये कई बड़े दावे किए थे, आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान जो गुजरात चुनाव से पहले उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर दिया था, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं देख रहा हूं, जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए, वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मेरी मुझसे नफरत करते हैं, नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं, हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई है मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुना आपने केजरीवाल को कैसे दम भर रहे थे, लेकिन गुजरात की जनता ने तो केजरीवाल के मंसूबे पर पानी ही फेर दिया है। केजरीवाल श्री कृष्ण द्वारा दिए गए काम को तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जनता ने उन्हें जिस तरीके से सबक सिखाया है उससे ये साफ पता चल गया है कि इससे पहले जो उनके द्वारा बयान दिए गए, जो शपथ उनके मंत्री के द्वारा दिलाई गई, उसका गलत ही असर चुनाव पर पड़ा। दरअसल अब सोशल मीडिया पर केजरीवाल को इसलिए भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से पहले बयान दिया था उसे जनता अभी तक भूली नहीं है। यहां तक दिल्ली जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू से हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक को भगाया था, जिसके बाद तो हिंदुओं का गुस्सा जमकर उनके ऊपर फूटा था और शायद इसीलिए गुजरात की जनता भी केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर पाई। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए काम को पूरा करने में केजरीवाल की मदद भी नहीं कर पाई और केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया। वहीं गुजरात चुनाव से पहले ही केजरीवाल सरकार के उस वक्त के मंत्री
राजेंद्र गौतम पाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो धर्म परिवर्तन कराते नजर आ रहे थे और हिंदुओं के विरोध में उन्होंने शपथ भी दिलाई थी। और उन्होंने 10,000 लोगों को ये शपथ दिलाई थी कि मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो एक तरफ तो केजरीवाल श्री कृष्ण के दिए गए कामों की बात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें भेजा है, दूसरी तरफ उनके मंत्री उसी वक्त शपथ दिला रहे थे और ये बता रहे थे कि वो उन्हीं भगवान को नहीं मानेंगे और हिंदू विरोधी बातें कर रहे थे। तो कौन सच्चा और कौन झूठा, इसका फैसला गुजरात की जनता ने कर दिया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें केजरीवाल के उस वक्त के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हिंदुओं के खिलाफ शपथ दिलाते नजर आ रहे हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने